तो 4 गेंद पे 16 रन आया है, अभी 2 गेंद बाकी है, क्या होता है 2 गेंद पे वही देखने के बाद है। यहाँ पर 5वीं गेंद, बहुत बढ़िया शॉट और ये भी जाएगा 6 रन। ओ भाई बहुत सही, बहुत बड़ा बड़ा छक्का मार रहा है यहाँ पर जेसन रॉय। सच में यार मजा आ गया यार, 2 लगातार छक्का मार चुका है जेसन रॉय ने यहाँ पर। तो हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। आज हम फिर से खेलने वाले बेस्ट ऑफ सुपर ओवर, और आज का जो मैच है वो इंग्लैंड के साथ श्रीलंका का है। मेरा हिसाब से श्रीलंका के लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। सो देखते हैं यहाँ पर श्रीलंका क्या करता है। यहाँ पर तो मैं इंग्लैंड के तरफ से खेलूँगा क्योंकि ये इंग्लैंड का होम ग्राउंड है इसीलिए। और यहाँ पर श्रीलंका ने हेड कहाँ है, क्या गिरता है वही देखने के बाद है अभी। और हेड गिरा, श्रीलंका टॉस जीत चुका है, अभी श्रीलंका क्या लेगा वही देखने के बाद है। मेरा हिसाब से बैटिंग लेना चाहिए इस पिच की कंडीशन पे, और यहाँ पर श्रीलंका ने बैटिंग ही चूज़ किया, बहुत सही। सो यहाँ पर पहला गेंद जोफ्रा आर्चर की तरफ से एज लगता हुआ, यहाँ पर कोई नहीं, शॉर्ट थर्ड मैन नहीं था, थर्ड मैन था। सो 1 रन मिलता हुआ यहाँ पर पहला गेंद पर ही एज, बहुत बढ़िया। अभी स्ट्राइक पर है धनंजय डी सिल्वा, और दूसरा गेंद यहाँ पर आउट स्विंग हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन थोड़ा बहुत हुआ। सो इस बार गेंद डॉट, यहाँ पर 2 गेंद पे सिर्फ 1 ही रन आया है। तीसरा गेंद यहाँ पर आर्चर का उठा के शॉट मारा, फील्डर पीछे है और फील्डर के हाथ पे इजी कैच, यहाँ पर 1 विकेट मिलता हुआ यहाँ पर जोफ्रा आर्चर को। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की तरफ से, बहुत सही बॉलिंग था ये। और यहाँ पर धनंजय डी सिल्वा ने डाक बना के आउट हो गया। सो अभी बैटिंग करने आ रहा है तीसरा पेरेरा। 3 गेंद पे 1 रन पे 1 विकेट ऑलरेडी गिर चुका है। और यहाँ पर 4थी गेंद उठा के शॉट मारा है, लेकिन ये जाएगा छक्का, बहुत सही शॉट, ये वाला शॉट तो बहुत सही, सीरियसली यार क्या, वो भी नो बॉल कर दिया अंपायर ने कि ओ भाई अभी तो फ्रीड लगने वाला है, मतलब कुछ भी हो सकता है यार। सो यहाँ पर फ्रीड वाला गेंद, ओ ओ ओ कीपर ने कैरी कर लिया, कैच भी है लेकिन फ्रीड है, सो आउट नहीं देगा अंपायर। सो कोई नहीं, 8 रन ऑलरेडी श्रीलंका ने बना चुका है 4 गेंदों पे, अभी भी 2 गेंद बाकी है। यहाँ पर बहुत बढ़िया काट शॉट, बहुत ही बढ़िया चौका यहाँ पर, सही से गैप ढूंढना कुशल प्लेयर ने, और बहुत ही बढ़िया शॉट मारा यहाँ पर, सही से गैप ढूंढना कुशल प्लेयर ने। मैं यहाँ पर एक क्रॉस सिम डिलीवरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आखिरी गेंद है। सो यहाँ पर शॉट तो खेला है लेकिन कोई नहीं, फील्डर है, सो 1 ही रन मिलेगा। सो 13 रन पे पहुंच चुका है श्रीलंका। तो यहाँ पर श्रीलंका ने फर्स्ट इनिंग्स पे 13 रन बनाया, अभी इंग्लैंड का बारी है। सो देखते हैं इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग्स पे कितना रन बना पाता है। तो चलो इंग्लैंड का फर्स्ट इनिंग्स देखते हैं। यहाँ पर इंग्लैंड की तरफ से बैटिंग करने आ रहा है जेसन रॉय और जस बटलर, और बॉलिंग करेगा श्रीलंका का कप्तान लसित मलिंगा। यहाँ पर मलिंगा का पहला गेंद फ्लिक शॉट मारा है, लेग साइड पे फील्डर है, सो 1 ही रन मिलता हुआ यहाँ पर पहली गेंद पे। अभी स्ट्राइक पे जॉस बटलर, और दूसरा गेंद यहाँ पर, ओ यहाँ पर पेस से बीट हो गया, लेट मिस आया, और यहाँ पर मलिंगा का खतरनाक यॉर्कर, यॉर्कर नहीं था लेकिन यहाँ पर जॉस बटलर मिस कर गया यार। बहुत बढ़िया विकेट यहाँ पर लसित मलिंगा के नाम पे, बहुत से विकेट, और यहाँ पर जॉस बटलर गोल्डन डक बना के आउट हो गया। अभी बैटिंग करने आ रहा है एलेक्स हिल्स, तो 2 गेंद पे ऑलरेडी 1 विकेट गिर चुका है। और यहाँ पर तीसरा गेंद, ओ ओ क्या बॉलिंग, बॉल क्या था, बॉल मुझे समझ नहीं आया इस वाली गेंद तो। सो 3 गेंद पे सिर्फ 1 ही रन आया है, अभी भी 3 गेंद बाकी है। यहाँ पर 4थी गेंद मलिंगा का, और यहाँ पर उठा के शॉट मारा है, और ये बच जाएगा छक्का, पहला छक्का इस मैच का नहीं, इस इनिंग्स का पहला छक्का, और एलेक्स हिल्स के बल्ले से बहुत सही शॉट है भाई। सो 4 गेंद पे ऑलरेडी 7 रन पे पहुंच चुका है इंग्लैंड, अभी भी 2 गेंद बाकी है और 6 रन पीछे है। और यहाँ पर ए भी यॉर्कर था, ए भी उठा के शॉट मारा, 6 रन, ओ भाई बहुत सही शॉट, यहाँ पर यॉर्कर को समझ में आ चुका था एलेक्स हिल्स को, इसीलिए बहुत सही छक्का मारा यहाँ पर। तो स्कोर लेवल हो चुका है, और 2 लगातार छक्का यहाँ पर एलेक्स हिल्स ने मार दिया है। और लास्ट गेंद यहाँ पर, इस वाली गेंद को भी उठा के शॉट मारा है लेकिन उतना अच्छा से टाइमिंग नहीं कर पाया। सो कोई नहीं, चौका मिलेगा, बहुत सही इनिंग्स खेला एलेक्स हिल्स ने आखिर में आके। सो यहाँ पर श्रीलंका ने फर्स्ट इनिंग्स पे 13 रन बनाया था, और इंग्लैंड ने फर्स्ट इनिंग्स पे 17 रन बनाया, और बहुत बढ़िया, इंग्लैंड अभी 4 रन आ गए है। सो श्रीलंका का सेकेंड इनिंग्स यहाँ पर, चलो देखते हैं श्रीलंका सेकेंड इनिंग्स पे कितना रन बनाते हैं और इंग्लैंड को कितना टारगेट देता है। यहाँ पर श्रीलंका की तरफ से बैटिंग करने आ रहा है कुशल पेरेरा और धनंजय डी सिल्वा, और बॉलिंग करेगा जोफ्रा आर्चर। यहाँ पर स्ट्राइक पे है कुशल पेरेरा, और यहाँ पर जोफ्रा आर्चर का पहला गेंद स्लोअर, लेकिन ओ भाई गैप पे चला गया यार,
एज लगते हुए गैप पे जाते हुए चौका मिलेगा यहाँ पर, फ्री के चौका मिलता हुआ कुशल फिलेरा को। बहुत बढ़िया गेंद चार की तरफ से। तो पहला गेंद पे ऑलरेडी 4 रन आ चुका है। यहाँ पर दूसरा गेंद थे लेग साइड पे, दिशाहीन गेंद था और यहाँ पर कुशल फिलेरा ने इसको छक्का मार के स्वागत किया। बहुत बढ़िया, गंदा गेंद करूंगा तो गंदा, वो भी नो बॉल। यार क्यों नो बॉल क्यों कर रहा हूं मैं। सो एक गेंद पे 11 रन आ चुका है और फ्री हिट वाला गेंद यहां पर ध्यान से डालना पड़ेगा। फ्री हिट पे शॉट मारा फील्डर कैच, ओ भाई कैच भी मिस कर लिया। कोई नहीं, अगर कैच भी करता तो आउट तो नहीं होता क्योंकि फ्री हिट था। तो 13 रन पे पहुंच चुका है श्रीलंका 2 गेंद पे सिर्फ। तो तीसरा गेंद यहाँ पर जुफ्रा अर्चर की, ये भी पैरों पे गेंद था और यहाँ पर ये भी बहुत ही बढ़िया शॉट और यहाँ पर भी मिलेगा छक्का। कुशल फिलेरा तो बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहा है और ये भी नो, अरे यार नोबल क्यों, मैंने करा क्या भाई। अरे मैच तो हाथ से गया भाई, 2 गेंद पे 20 रन ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ पर तीसरा नहीं फीड वाला गेंद, वो भी चौका मिलेगा। यार क्यों, यार क्या हो क्या रहा है भाई। सो यहाँ पर 3 गेंद पे 24 रन आ चुका है, अभी भी 3 गेंद बाकी है। सो यहाँ पर चौथी गेंद, ये भी बढ़िया शॉट और इस गेंद पे भी मिलेगा कुशल पेरेरा को 6 रन। कुशल पेरेरा तो बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहा है, ये तो मानना पड़ेगा, और बहुत सही सिक्स यहाँ पर कुशल पेरेरा की बल्ले से। सो अभी भी 2 गेंद बाकी है, ऑलरेडी 30 रन बना लिया है श्रीलंका यहाँ पर। और यहाँ पर बढ़िया गेंद लेकिन बढ़िया शॉट भाई, पॉइंट की मतलब जो गैप था उन्होंने सही से गैप ढूंढा, कुशल पेरेरा ने यहाँ पर सही से चौका मार दिया, बहुत सही शॉट। तो अभी तो मुझे लग रहा है इंग्लैंड इस वाले मैच को जीत नहीं पाएगा। और यहाँ पर आखिरी गेंद डॉट दे दिया, कोई नहीं। सो 34 रन बनाया, 34 रन। सो श्रीलंका ने यहाँ पर सेकेंड इनिंग्स में 34 रन बनाया, मतलब श्रीलंका 30 रन आ गया है। सो इस मैच को अगर इंग्लैंड को जीतना होगा तो 31 रन चाहिए। सो अभी देखने के बाद है इंग्लैंड 31 रन कार्ड पता है या नहीं। और कुशल पेरेरा ने भाई क्या खेला भाई साहब, 32 रन बनाया, बहुत बढ़िया। और जुफ्रा अर्चर बहुत ही गंदा बॉलिंग किया यहाँ पर। सो चलो यहाँ पर इंग्लैंड का सेकेंड इनिंग्स देखते हैं। यहाँ पर लसित मलिंगा का पहला गेंद यॉर्कर था और यहाँ पर उठा के शॉट मारा है, वो भाई पहला गेंद पे छक्का, मैच पे रोमांचक आ चुका है। पहला गेंद पर ऑलरेडी छक्का मार चुका है यहाँ पर जेसन रॉय ने, बहुत सही शॉट, 130 मीटर का छक्का, बहुत लंबा सिक्स यहाँ पर। 31 टारगेट है और पहला गेंद पे ऑलरेडी 6 रन आ चुका है। दूसरा गेंद यहाँ पर, दूसरा गेंद लेकिन मिस हो गया, टाइमिंग नहीं कर पाया, मिस हो गया दूसरा गेंद। सो अभी 4 गेंद पे 25 रन चाहिए। सो यहाँ पर तीसरा गेंद, अगर ये स्नोबॉल हो जाए तो मजा आ जाएगा यार। इस वाली गेंद पे भी बढ़िया शॉट लेकिन चौका मिलेगा यार, मैच तो मत गया हद से। सो बढ़िया शॉट लेकिन यहाँ पर 3 गेंद पे 10 रन पे ऑलरेडी पहुँच चुका है यहाँ पर इंग्लैंड, अभी भी 3 गेंद बाकी है। यहाँ पर चौथी गेंद और सीधे वाले से मारा है, ओहो हो बहुत बड़ा ये शॉट यहाँ पर, मतलब इस पिच जो है ए पिच बैटिंग का पिच है, इसीलिए इतना रन आ रहा है भाई। जैसे श्रीलंका ने भी बनाया और हमने भी बना रहा हूँ, मतलब ये पिच बैटिंग का पिच है, ये तो मानना पड़ेगा। तो 4 गेंद पे 16 रन आया है, अभी 2 गेंद बाकी है, क्या होता है 2 गेंद पे वही देखने के बाद है। यहाँ पर 5वीं गेंद, बहुत बढ़िया शॉट और ये भी जाएगा 6 रन, ओ भाई बहुत सही, बहुत बड़ा बड़ा छक्का मार रहा है यहाँ पर जेसन रॉय, सच में यार मजा आ गया यार, 2 लगातार छक्का मार चुका है जेसन रॉय ने यहाँ पर। सो एक गेंद पे 9 रन चाहिए, अगर नो बॉल हुआ तो पॉसिबल है, नहीं तो कभी भी पॉसिबल होने वाला है नहीं। और लास्ट गेंद, ये भी उठा के मारा है यहाँ पर, यॉर्कर करने की कोशिश किया था लेकिन ये भी छक्का, बहुत बड़ा छक्का लेकिन इसके साथ नोबॉल नहीं है। सो मैच यहाँ पर हार गया यार, लेकिन इंग्लैंड ने बहुत बड़ा फाइट दिया है इस मैच पे। श्रीलंका इस मैच को सिर्फ 2 ही रन से जीता है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन श्रीलंका भाई। सो यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच हुआ है कुशल पेरेरा, वो तो होना ही चाहिए, 32 रन बनाया और श्रीलंका यहाँ पर इस वाले मैच को 2 रन से जीता। लेकिन जेसन रॉय ने जो लास्ट इनिंग्स खेला है ना भाई, सच में यार बहुत मजा आया। और इंग्लैंड यहाँ पर बहुत सही से फाइट बैक भी दिया, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले मैच पे मैंने कभी सोचा भी नहीं था इंग्लैंड 28 रन भी बना पाएगा। मैंने सोचा इंग्लैंड हार्डली 15 रन बना पाएगा और यहाँ पर श्रीलंका एक बहुत बड़ा रन से मैच को जीतेगा, लेकिन नहीं, इंग्लैंड से बहुत सही से फाइट बैक। सो आप लोग यहाँ पर पॉइंट टेबल देख सकते हो, पॉइंट टेबल में बहुत बदलाव आया है, क्योंकि श्रीलंका नंबर 10 पे था लेकिन एक मैच जीतने के बाद श्रीलंका नंबर 7 पे चला गया। तो कंग्रेचुलेशन श्रीलंका, इंग्लैंड 4 पे था, 4 पे ही है, लेकिन श्रीलंका ने बहुत बड़ा जंप मार लिया यहाँ पर। सो लास्ट जो मैच है राउंड
राउंड 8 का वो है न्यूजीलैंड के साथ अफगानिस्तान का, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान उस वाले मैच को जीतता है तो अफगानिस्तान नंबर 7 पे भी आ सकता है, नंबर 8 पे भी आ सकता है, वो तो पता चलेगा नेट रन रेट के ऊपर डिपेंड करके। और अगर न्यूजीलैंड जीतता है तो न्यूजीलैंड 6 पे भी आ सकता है और 7 पे भी आ सकता है, वहाँ पर भी नेट रन रेट दिखा जाएगा। सो यहाँ जो भी जीतेगा वो बहुत बड़ा झलंग मरेगा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, लास्ट मैच भी। सो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल वाला बटन जरूर प्रेस करके रखिए। और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला बटन जरूर प्रेस कर देना। गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल को इसे प्यार और सपोर्ट देते रहिए। सो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।